अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं पीर मोहम्मद भाई, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कौन आइसक्रीम के बारे में वीडियो बना रहे, सीजन भी आ रहा है, तो मैंने कहा चले किसी का भला हो जाए अगर इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है। शकील भाई हैं, काम तो इनका दूध का, लेकिन ये सीजन में आइसक्रीम का काम भी करते हैं। ये आप देख रहे हैं इनके पास बड़ी हैवी मशीन है, तो ये मुकम्मल मालूम मार देंगे इंशाल्लाह। जो फार्मूला ये आपको देंगे बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो शकील भाई, कीमत क्या है मशीन की, कहाँ से कहाँ तक है? 50,000 से लेके 1,20,000 तक। इनमें फर्क क्या है मशीन में? फर्क है उसमें माल कम डलता है, उसमें ज्यादा डलता है। सिर्फ माल का फर्क है, कोई गर्म ज्यादा, जैसे ज्यादा देर मशीन उसका कंप्रेसर छोटा होता है, 1,20,000 वाली का बड़ा होता है। गर्म तो नहीं हो जाती मशीन? नहीं, उसमें माल कम पड़ेगा तो गर्म नहीं होगी। यानी कि जो जहाँ पे ज्यादा रश वाली जगह हो तो बड़ी मशीन चाहिए वहाँ। जी। दूसरे नंबर पे जो है इसकी बचत कितनी है, इसमें बचत रेशो कितनी है? 5,000 सेल है, 50% बचत है। यानी 50% इस काम में बचत है। तो सीजन कितना अच्छा रहता है इसमें? 6 माह का रहता है। 6 माह सीजन रहता है गर्मी का। अच्छा ये बताएं, ये मशीन तो अभी देखते हैं हम अक्सर पड़ी होती है, इसके लिए एरिया कैसा सिलेक्ट करना चाहिए? बस कॉलेज वगैरह होगा, स्कूल वगैरह हो, बिजी हो, मार्केट का अच्छा एरिया यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एरिया हो, जहाँ पे रश भी आ जाए। रश फार्मूले के वाले से बता दें, तो मेन चीज जो है फार्मूला है, ताकि जो है ना जो भाई बेचे उसकी जो है यूनिक हो उसकी आइसक्रीम, तो अलग हो, यानी कि जो बंदा खाए और बार बार आए, जैसी आपकी आइसक्रीम होती है। यानी ये फार्मूला ऐसा है कि जो भी फार्मूला मार्केट से मिलता है सबको पता होता है, लेकिन हम फ्रेश दूध थोड़ा सा डालते हैं, उसकी वजह से ये गला वगैरह पकड़ा नहीं जाता, बच्चे शौक से खाते हैं, उसका टेस्ट में फर्क आ जाता है। क्या क्या चीजें डालते हैं वो सारी बता रहे हैं, कितने दूध में कितनी क्या चीज डालनी है फार्मूला। ये शकील भाई के छोटे भाई हैं, आइसक्रीम का फार्मूला यही तैयार करते हैं। वैस भाई फार्मूला बता रहे हैं जो आप तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आधा किलो खुशक दूध होता है, जिसमें आप 7 किलो तकरीबन पानी डाल सकते हैं। अच्छा। 7 किलो पानी हो गया और 2 किलो चीनी। अच्छा। इसके अलावा जो सिरप वगैरह कलर आप पे डिसाइड कर रहे हैं, आप जो भी इस्तेमाल कर सकते। कौन सा फ्लेवर यानी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, वो कितना कितना डालना होता है? तकरीबन सिरप 4-5 कतरे सिरप के हो जाएंगे। अच्छा। उसके अलावा 1 चम्मच रंग हो जाएगी। अच्छा, सिरप किसको कहते हैं? सिरप बोतल जो जो उसकी खुशबू सेंस होता है। जी सेंस। 7 किलो दूध में 4-5 कतरे डाल दें। जी। और चॉकलेट बनाने का क्या फॉर्मूला है? वो यही एक ही है, सेम पाउडर होता है उसको पाउडर में। तो ये जो फ्रेश मिल्क है ये शकील भाई डाल दें आप? वो अपने अंदाजे से ज्यादा डालने अच्छा होगा, क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। तो सिर्फ ताजे दूध की बन सकती है आइसक्रीम अगर आप वो खुशक दूध ना डालें? नहीं, वो डालना पड़ेगा, खुशक दूध डालना पड़ेगा। चलिए, फार्मूला आपने सुन लिया व्यूअर, तो ये इनका फार्मूला है, तो ये ताजा दूध थोड़ा सा डालते हैं जिससे इनका जायका बदल जाता है। लोग बचत के लिए जो है खुशक दूध डालते हैं, तो अगर वो 100 रुपये आपको कास्ट ज्यादा आती है तो, लेकिन आपकी सेल भी उससे बढ़ जाती है। दुआ में याद रखियेगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।